आज छिपिटोलो आगरा बालूगंज रकाबगंज थाने के बराबर में स्थित है और सदन संगठन के पास संस्था के पास पीछे एक जमीन थी, उस जमीन पर एक भवन का निर्माण किया है। समाज को यह जरूरत थी, आवश्यकता थी, आज वो भवन बनकर तैयार हो गया है। बेसमेंट में भी इतना ही बड़ा भवन है जितना ऊपर है। अब जो दोनों भवन बनने थे, दोनों हॉल बनने थे, छिपिटोला जैन समाज को बहुत लाभ होगा। छिपिटोला जैन समाज को ही नहीं, बाकी की समाज भी आके यहाँ पर कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कर सकती हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ निर्मल सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को कि उनके अथक प्रयासों से इस भवन का निर्माण हो सका है। और जो भी दानदाता हैं इस भवन को बनवाने में जिन्होंने सहयोग किया है उनकी भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, कि क्योंकि बिना जन सहयोग के, बिना आम लोगों के सहयोग से कोई भी जनसेवा का कार्य जब तक सफल नहीं होगा जब तक आम लोग ना जुड़े इससे। और यहाँ इसमें जुड़े हैं, सबने अपना योगदान दिया है, आर्थिक रूप से भी योगदान दिया है। ऐसे सभी लोगों की मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार के शहर के नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी सामाजिक कार्य आ रहे हों उसमें आर्थिक कमी ना रहे, इसके लिए अब समाज को आगे आना पड़ेगा। ये आज भव्य लोकार्पण और वृक्षारोपण समारोह मनाया जा रहा है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में निर्मल नवयुवक जन सेवा समिति द्वारा ये नव निर्मित भवन का निर्माण किया गया है, जो कि परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर के जी महाराज जी और मुसिनि मुनि विश्व सागर महाराज जी के पावन चरणों से आज इसका उद्घाटन हुआ है। रमेश चंद जी जैन इसके उद्घाटनकर्ता हॉल के हैं और निर्मल समिति के सभी सदस्यों ने इसमें बहुत